आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे एक राजकुमार को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है और राजकुमार ने उसके साथ क्या किया और कबूतर के साथ क्या बात हुई, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों बात उस समय की है जब मिस्र में एक राजा था जो बहुत अच्छा और दयालु था, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी एकलौती बेटी एक गुस्सेल और घमंडी लड़की थी। उन्हें अपनी जायदाद और रूप और अपने परिवार पर इतना घमंड था कि उन्होंने कभी किसी लड़के को एक घास तक नहीं डाला है, यानी किसी लड़के को अपने पास तक नहीं आने देती थी। साथ ही किसी से भी उसके अच्छे संबंध भी नहीं थे। उस राजकुमारी के पहले और बाद में उनकी देखभाल के लिए कई दासियां थी। हालांकि उसकी एक दासी थी जो उसके लिए बहुत खास थी। राजकुमारी जहाँ भी जाती थी वो हमेशा उसके साथ जाती थी, दासी भी उसके साथ जाती थी। लेकिन एक दिन राजकुमारी शिकार करने के लिए पास के एक जंगल में चली गई और उसके साथ उसके प्रिय दासी भी थी। वो दोनों घड़े पर सवार होकर जंगल के ओर जाने लगी। उसी समय उन्हें पेड़ पर एक कबूतर दिखा। वो कबूतर बहुत सुंदर था। राजकुमारी को पक्षी और जानवर से नफरत थी। उसने कहा कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर दासी कहने लगी, मलकाए आलिया तुम इतने सुंदर कबूतर को क्यों मारना चाहती हो, उसने आपके साथ क्या किया। दासी के मुंह से ये वचन सुनकर राजकुमारी को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे आज्ञा देने वाले, मैं इसका शिकार करना चाहता हूँ। फिर उसने धनुष बाण उठाया और कबूतर पर बाण चला दिया। कबूतर से टकराने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। ये देख राजकुमारी जोर जोर से हंस पड़ी, लेकिन कबूतर की हालत देखकर दासी को बहुत बुरा लगा। वो अपने घोड़े से उतरा और तेजी से कबूतर के पास दौड़ा और उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया और तीर को उस जगह से हटा दिया जहां से कबूतर को मारा गया था और घाव पर मिट्टी डालकर हाथ से मल दिया। राजकुमारी घोड़े पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए दासी से बोली कि तुम इतनी छोटी हो, तुम कबूतर के लिए हमारा कीमती समय क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम उसे वहीं छोड़ दो, हमें बहुत दूर जाना होगा। लेकिन दासी राजकुमारी से बिना कुछ सुने कबूतर के घाव को बहुत प्यार से सह लहा। उस समय एक राज्य का एक नेक और सुंदर राजकुमार वहां से घर लौट रहा था। हालांकि राजकुमार उन दोनों का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसने दूर से ही अनुमान लगा लिया कि जमीन पर बैठी अच्छी और दयालु लड़की ने कबूतर को अपने साथ में ले लिया है और उसके शरीर से खून बह रहा है। ये नजारा देखकर राजकुमारी ये कहने लगा कि ये लड़की कितनी सुंदर और दयालु है, उसे पशु पक्षियों से कितना प्रेम है। लेकिन दूसरी ओर जब राजकुमार की नजर राजकुमारी पर पड़ी तो उसने मन ही मन सोचा कि क्या होगा यदि ये लड़की सुंदर है, कितनी घमंडी है और इसके मन में रत्ती भर भी प्यार नहीं है पशु पक्षियों के लिए। वो महल में गया और मन ही मन सोचा कि मैं अवश्य इस कन्या को संदेश भेजूंगा और इससे शादी करूंगा। इतने में ही दासी कबूतर को उठाकर अपने साथ ले गई, फिर वो वहां से चले गए। लेकिन जब राजकुमार खबर लेकर महल पहुंचा तो कबूतर के घाव को ठीक करने वाली लड़की कौन थी उसे नहीं मालूम था। इस बीच राजकुमार बड़ी चतुर थी, उसने महसूस किया कि राजकुमार को उसकी दासी पसंद है, तो अब वो चाहती थी कि ऐसा सुंदर और दयालु और इतने बड़े देश का राजकुमार मेरा पति बने। तो राजकुमारी ने एक संदेश लिखकर महल में भिजवा दिया कि हाँ वो लड़की मैं थी और मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है। लेकिन राजकुमार भी बहुत बुद्धिमान था और बुद्धिमान लोग अपनी शादी के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर ही लेते हैं। उन्हें वो लड़की चाहिए जो उनके जीवन को सफल बनाए और जब राजा और रानी से अनुमति चाहते हैं, इजाजत मांगता है
और कहता है कि मैं उन दोनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जो सही जवाब देगी वही मेरी पत्नी होगी। राजकुमार जब राजकुमारी के पास गया तो वहाँ दासियाँ भी खड़ी थी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक महिला में कौन सी गुण होने चाहिए जिसके कारण एक लड़का उससे शादी करेगा। जिसके जवाब में राजकुमारी कहने लगी कि ये तो आम चीजें है, दौलत शौहरत परिवार और मुख्य चीज है खूबसूरती। अगर एक औरत सुंदर नहीं होगी तो एक आदमी उसे कैसे पसंद करेगा। राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार हंसने लगा और बोला, अच्छा ये रहा तुम्हारा जवाब। राजकुमारी ने कहा कि मेरे विचार से तो यही सही जवाब है। तब राजकुमार कनिष्ठ यानी दासी के पांच पहुँचे और उनसे सवाल पूछने लगे और कहा, मैं भी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे इसका जवाब देना चाहते हैं? दासी कुछ देर चुप रही और फिर कहने लगी कि एक आदमी चार चीजों के लिए एक औरत से शादी करता है, धन और दौलत, उसकी मुस्कान नम्र का अर्थ परिवार, उसकी सुंदरता और चौथी नेक दिल। लेकिन एक आदमी को चाहिए कि वो एक नेक दिल औरत को स्वीकार करे। इस पर दासी कहने लगी कि मुझे कुछ कहना है, शादी किसी ऐसे से करो जो दयालु हो। मैं आपको बताता हूँ, एक दयालु महिला पुरुष की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दासी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है यही प्रश्नोत्तर का अंत है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा निर्णय क्या है। सब हैरान थे कि एक राजकुमार को सिर्फ राजकुमार ही पसंद करनी चाहिए, ये तो जाहिर सी बात थी। उसका इतना बड़ा परिवार है, वो हैंडसम भी है, वो अपना पिता का एक लौता बेटा है, वही छोटे नकरानी को क्यों पसंद करेगा, उसने आपसे क्यों पूछा है। राजकुमारी को अपनी दासी पर बहुत गुस्सा आया और उसने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ आने की क्या जरूरत है। इस पर नकरानी ने कहा, मैं नहीं आना चाहती थी लेकिन राजकुमार का आदेश था तो मुझे आना ही पड़ा। उसके बाद राजकुमार ने अपने महल में एक बड़ी दावत रखी और सभी को निमंत्रित किया। राजकुमार कहने लगे कि आज मैं अपनी शादी की खास ऐलान करना चाहता हूँ और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मैं इस देश की राजकुमारी से नहीं बल्कि इस देश की राजकुमारी की दासी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी हंस पड़े। राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई। उसने सोचा कि इस भिखारी ने उस औरत को अपने लिए चुन लिया है। राजकुमारी जो बहुत घमंडी थी उसका चेहरा देखती रह गई और वहाँ से वो चला गया। तो दोस्तों ये एक घमंडी और बदमिजाज महिला का सही जवाब है। दोस्तों एक महिला को दयालु होना चाहिए, वो सुंदर है या नहीं, चाहे वो अमीर हो या नहीं, लेकिन अगर वो एक दयालु महिला है तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। नहीं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्त के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।